कृष्ण, स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित जानकारी दूंगा। कृष्ण जन्माष्टमी कब की है, व्रत कैसे रखना है, उपाय कौन से करने चाहिए जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो, कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी विशेष बड़ा पर्व होता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस बार जन्माष्टमी 30 अगस्त की रहेगी। 29 अगस्त को रात को 11:26 से अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए 30 अगस्त की कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व रहेगा। इस बार बहुत ही अच्छा योग बन रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर। इस बार इतना अच्छा योग बन रहा है कि सोमवार की श्री कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है, साथ ही कृतिका नक्षत्र सुबह समाप्त होकर के रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अगर जो कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन सोमवार पड़ जाता है, रोहिणी नक्षत्र पड़ता है, तो ये विशेष ही शुभ माना जाता है। इस दिन यह शुभ योग बहुत ही अच्छा है और 29 तारीख को शीतला सप्तमी व्रत भी होता है जो पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं यह पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं और जिनके पहले से संतान होती है उनकी सुरक्षा के लिए यह व्रत रखा जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन जयंती नामक योग बन रहा है, यह योग विशेष ही शुभ माना जाता है। जयंती योग में विशेष रूप से भगवान की पूजा की जाती है, उपाय किए जाते हैं, यह उपाय विशेष ही प्रभावशाली हैं। जिनको भी संतान सुख नहीं मिला है या जो पुत्र चाहते हैं उनको श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन उपाय जरूर करना चाहिए। इसमें सुबह से ही व्रत रखा जाता है, आप दिन में फलाहार वगैरह कर सकते हैं। बहुत से निर्जल भी यह व्रत रखते हैं, चाय आदि दूध ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसमें अन्न नहीं खाया जाता। एक टाइम फलाहार ले सकते हैं जिनका शरीर में कोई परेशानी है या स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और वैसे भी एकादशी का जैसे व्रत रखा जाता है उस प्रकार से यह व्रत आप रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है रात के 12 बजे, उस समय भगवान को भोग लगा करके तभी उसी भोग से प्रसाद से व्रत खोलते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण की विशेष रूप से पूजा की जाती है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है तो आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। अगर आपके घर में नहीं है तो आपको पहले ही ला करके ही मूर्ति रख लेनी चाहिए। इस दिन सुबह उठते ही सर्वप्रथम भगवान को नमस्कार करें, उसके बाद में सुबह के समय भगवान को सादा जल से स्नान कराएं। सादा जल से स्नान कराने के बाद में भगवान को नए वस्त्र पहनाने चाहिए। नए वस्त्र पहना करके इत्र चंदन हर चीज़ भगवान को अर्पण करें और भगवान को आसन पर विराजमान करें। उसके बाद में आप व्रत का संकल्प करें कि प्रभु मैं इस आपके जन्माष्टमी का व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ, आप मेरी पुत्र की मनोकामना पूरी करें। मातृभाव से आप जो है भगवान से प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद में पूरे दिन व्रत रखें। फिर रात को क्या करना है कि पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना है। पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना है रात को 12 बजे। सुबह आपको सादा स्नान करा देना है, उसके बाद में पूरे दिन संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है और भगवान के सामने आप दीपक जला दें। वह दीपक पूरे दिन और रात के 12 बजे तक जलना चाहिए। अगर आप ऐसा दीपक जला सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान के सामने मक्खन मिश्री फल का प्रसाद चढ़ाएं। भगवान के सामने आप संतान गोपाल मंत्र का जितना ज़्यादा जाप हो सके जाप करें। अगर आप रात को ही प्रसाद खा करके व्रत खोलें तो ठीक है, अगर दिन में फलाहार लेते हैं तो आप भगवान के सामने फल रख करके संतान गोपाल मंत्र का जाप करके उस फल का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। विशेष महत्व है। इस दिन आपको भगवान के सामने गाय के घी का दीपक जलाना है। देवकी सुध गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि मे तरम कृष्णम त्वाम अहम शरणं गतः, ऐसा कर इस मंत्र का जाप करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। जिस महिला के संतान सुख नहीं है, शादी के कई साल बीत चुके हैं, संतान का सुख नहीं मिला है,
तो उनको इस दिन जरूर जाप करना चाहिए, पति पत्नी दोनों को। इस दिन गाय के दूध का सेवन करना चाहिए, गौ माता की पूजा करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के सामने संकल्प पूर्वक संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ ही हवन भी करना चाहिए। इतना अच्छा योग होता है ये कि शीघ्र ही मनोकामना पूरी हो जाती है। जिनके भी संतान सुख नहीं है, परेशान हैं, तो उनको अवश्य ही संतान का सुख मिलेगा। इस दिन आप भगवान के सामने अपनी प्रार्थना बोलें और एक नारियल में 7 बार मूली लपेटें, उस नारियल पर बिंदी लगाएं और वह भगवान के सामने अर्पण कर दें अपनी मनोकामना बोल करके, अवश्य ही आपको संतान का सुख मिलेगा। इस दिन आप पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और पीपल वृक्ष की पूजा करें, 7 परिक्रमा करें। बड़ वृक्ष और पीपल वृक्ष इकट्ठे हों तो बहुत ही अच्छी बात है। इस दिन आपको क्या करना है, एक मुट्ठी चावल ले लें और उसे 7 बार अपने ऊपर उसारें। जिनको भी कोख बंधन है या किसी दोष के कारण संतान सुख नहीं मिल पा रहा है तो उनको अवश्य ही संतान का सुख मिलेगा। उसे 7 बार अपने ऊपर से उसारना है और उसे पीपल वृक्ष के नीचे चढ़ा करके आ जाए कुछ मीठे के साथ में। अगर आपके प्रत्येक कार्य में रुकावटें आती हैं तो भी आप इस दिन उपाय कर सकते हैं। आप जो भी उपाय करेंगे उसका आपको फल मिलेगा। जब आप रात को भगवान को स्नान करा दें, पंचामृत से स्नान करा दें, उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद में भगवान को पालने में बैठाएंगे, आप सुबह आसन पर बैठाएंगे और रात को पालने में बैठाएंगे। भगवान की छठी तक यह है, आप नियमित रूप से उपाय करते रहें और जन्माष्टमी से लेकर के छठी तक भगवान पालने में ही रहते हैं तो विशेष महत्व होता है इस दिन। प्रतिदिन आप जन्माष्टमी से लेकर के और छठी तक प्रतिदिन भगवान के सामने संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, उनके सामने दीपक जला करके फल उनके सामने रखें और आप वह फल ग्रहण भी करें यानी खा लें। झोली भरवाई जाती है इस दिन, कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन और छठी वाले दिन झोली भरवाई जाती है। जिनके भी गोद सूनी है उनकी सूनी गोद भर जाती है। आप किसी भी बेटी वाली माँ से यानी जिनके पहले से संतान है उस महिला से अपनी गोदी भरवाएं, आप झोली करें, उसमें वो फल टॉफी आदि चीज़ें डालेंगे और वह चीज़ें आपको खानी है। इससे संतान सुख मिल जाता है, संतान सुख के योग बन जाते हैं, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो इस बार जन्माष्टमी पर बहुत ही अच्छा योग है, आपको उपाय जरूर करने चाहिए, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।